ये है संजय दत्त का घर, और ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग संजू बाबा की ही है। हेलो गाइज, क्या बोलती है पब्लिक। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं संजू बाबा का घर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे संजय दत्त हैं वो मुंबई में कहाँ रहते हैं, उनका घर कैसा है। तो अभी हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर। तो चलिए गाइज चलते हैं और देखते हैं संजू बाबा का घर मुंबई में कहाँ है और कैसा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार कमेंट करते रहते हैं मेरे को इनका घर देखना है, इनका घर देखना है। तो भाई लाइए हम भी आज बांद्रा में, सभी जितना भी हो पाएगा सभी एक्टर्स के घर का टूर करते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं। तो चलिए गाइज, जब ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइज मैं उनके गेट के सामने पहुंच चुका हूँ, संजय दत्त सर के। यहाँ पर देखिए लिखा है इम्पीरियल हाइट्स, और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, ये पूरी बिल्डिंग संजय दत्त सर की ही है। और वो सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला अपार्टमेंट है, फ्लोर है, उस पर ही रहते हैं और बाकी सब रेंट पर दिए हुए हैं। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे अपनी फैमिली के साथ वो यहीं पर रहते हैं। दोस्तों ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं इम्पीरियल हाइट्स, यहाँ पर पहले एक बंगला हुआ करता था। वो पूरा का पूरा बंगलो संजय दत्त जो है उनके पिताजी सुनील दत्त और उनकी माता नरगिस दत्त का था, लेकिन जब यहाँ पर उनका देहांत हो गया उनके पिता का सुनील दत्त जी का, तो उस बंगले को तोड़ के, और नरगिस दत्त जी जब इस दुनिया से चली गई तो इस बंगले को तोड़ के यहाँ पर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये संजय दत्त की माँ जो है नरगिस दत्त, उनके नाम पर रखा गया है नरगिस दत्त रोड। ये पूरा मोहल्ला नरगिस दत्त रोड के नाम से जाना जाता है, तो इसका भी कहीं ना कहीं एक इतिहास है। और संजू बाबा हमारे यहीं पर रहते हैं, उनकी पूरी बिल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ एक फ्लोर या दो फ्लोर है, उनकी पूरी बिल्डिंग है। और सबसे टॉप फ्लोर पे वहाँ पर देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी लगाई गई है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ग्रीनरी है, उसी पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और बकिया जितने भी फ्लोर्स हैं ना, वो सब के सब उन्होंने रेंट पर दे रखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने संजू मूवी देखी ही होगी। ये जो मूवी बनी है वो संजय दत्त पर आधारित मूवी बना हुआ है, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी है ना वो काफ़ी विवादित और रहस्यों से भरी रही है। हम में से कई लोग उनकी फिल्में बहुत ही देखना पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको रियलिटी में हम दिखाने वाले हैं कि जिसको हम बड़े पर्दों पर देखना पसंद करते थे, रियल में उनका घर कैसा है। आपको तो पता होगा कि जो संजू बाबा हैं ये काफ़ी दिनों तक जेल की सजा काटे हुए हैं। अंदर इनकी गाड़ी भी रखी हुई है, ढकी हुई है, और यहाँ पर देखिए इनका गेट ओपन किया गया है। कोई जैसे और लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं उसमें से कोई आया है, और अभी शायद कोई बाहर और निकलने वाला है। देखिए कोई और निकल रहा है, और दूसरे अपार्टमेंट का कोई है, जैसे दूसरे अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं किराए पर उनकी ये गाड़ी है, संजय बाबा की गाड़ी वहाँ पर देखिए ढक के रखी हुई है। वो गाड़ी उसके पीछे भी है कि उनकी रेंज रोवर, जो व्हाइट कलर की रेंज रोवर आप लोग अधिकतर देखते होंगे, संजू बाबा जिससे अधिकतर चलते हैं, वो गाड़ी भी जस्ट उसके पीछे रखी हुई है। संजय दत्त मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित पाली हिल इलाके में आलिशान अपार्टमेंट में रहते हैं। इस इमारत का नाम फिलहाल इम्पीरियल हाइट्स है, लेकिन पुराने बंगले, जब यहाँ पर उनका पुराना जो बंगला था उसकी जगह प्रीमियम हाई राइज इमारत बनाई गई है जहाँ संजय दत्त रहते हैं। संजय दत्त यहाँ पर अपने आलिशान घर में पत्नी मान्यता दत्त और दो बच्चों सहरान और इकरा के साथ रहते हैं। यहाँ पर देखिए फिर कोई अपार्टमेंट का ही ये निकल रहा है गाड़ी से। अब तुरंत गेट को यहाँ पर बंद भी कर दिया गया। पहले ये गेट पे जो ब्लू कलर का लगाया गया है ना, ये नहीं था, फिलहाल अब इसको लगा के ढक दिया गया है। आपको बता दें कि संजय दत्त के आलिशान घर की कीमत का अभी से जो प्राइस है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इनकी जो बहन है प्रिया दत्त, वो इम्पीरियल हाइट्स के एक फ्लैट को सेल की थी। वो फ्लैट वो 1675 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, और आपको बता दें यानी 93,000 प्रति वर्ग फुट की दर से उन्होंने फ्लैट को 15.60 करोड़ में बेचा था। यानी जो ये संजय दत्त का फ्लैट है ना, वो भी इस समय की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा का है। संजय दत्त का जो घर है और लिविंग रूम में सफ़ेद रंग की दीवारें रंगी गई हैं, मतलब पूरा उनका घर जो है ना अंदर का
पूरा दीवार व्हाइट कलर का है, जबकि फर्नीचर का रंग आइवरी गोल्ड से लेकर डार्क मोहबनी वुड में है। आप लोग साइड में एक तस्वीर देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने संजय दत्त सर के इंस्टाग्राम से, तो देखिए पीछे जो दीवारों का कलर है वो किस तरह का है। इनके घर में 1980 के दशक का बॉलीवुड ग्लैमर महसूस होता है जो पूरे स्पेस में दिखाई भी देता है। चारों ओर लकड़ी के काम और ब्लैक टोन की दीवारों के अलावा लाल रंग का फानुस शानदार इफेक्ट देता है। घर में सुनील दत्त और नरगिस दत्त की तस्वीरें और पेंटिंग्स हर जगह लगाई गई है। उनकी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर घर के हर कोनों में है। तो देखिए यही वो बिल्डिंग है, काफ़ी चौड़ी और बड़ी बिल्डिंग है। इनके अपोजिट साइड जो फ्लैट है वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ऊपर से बांस के भंडे लगाकर ऊपर से पॉलिथीन डाला गया है। वो ऊपर का पूरा फ्लैट संजय दत्त सर का ही है, जहाँ पर ये ग्रीनरी वगैरह लगाकर उसे सजाया गया है। बगल में आप लोग एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये संजय दत्त के इंस्टाग्राम से लिया गया स्क्रीनशॉट है। ये जो रूम है ना, ये संजय दत्त सर का अपना निजी रूम है। इसमें देखिए पीछे गिटार भी टांगा गया है और संजय दत्त का एक बहुत ही बड़ी इसमें तस्वीर भी टांगी हुई है, मतलब ये पर्सनल संजय दत्त सर का ही है। बगल में देखिए यहाँ पर कुछ काम चल रहा है इसलिए पीछे से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। 1993 में टाडा अधिनियम के प्रावधान के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था और तभी से ये ज़्यादा चर्चा में आए थे। 1993 में अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया और इन्हें 5 साल की कैद की सज़ा दी गई। वह कई बार जेल के अंदर और बाहर आते रहते थे, लेकिन आखिरकार साल 2016 में संजय दत्त ने अपनी सज़ा पूरी कर ली। उनके जीवन पर प्रसिद्ध निर्देशक राजकुमार हिरानी ने रणबीर कपूर के साथ मुख्य भूमिका में एक इनकी बायोपिक बनाई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और संजय दत्त को उनके प्रशंसकों के द्वारा बहुत ही प्यार भी मिला था। आप लोग संजू मूवी देखे होंगे, उसमें पूरा सब कुछ बताया गया था, जैसे अपना ज़िंदगी बिताए थे, जिस तरह से इन्होंने अपने ज़िंदगी के आनंद उठाए थे, वो सब उसमें दिखाया गया है। इनकी जो ये बिल्डिंग है इसका नाम इम्पीरियल हाइट्स है और एड्रेस है 58 श्रीमती नरगिस दत्त रोड, पाली हिल, बांद्रा, मुंबई 4000 50, महाराष्ट्र, भारत। अगर आप लोग मान लीजिए कहीं से भी आते हैं तो आपको जब ये एड्रेस पता रहेगा तो आप लोग फटाक से इनका घर देख सकते हैं और आ सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आप लोग कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सभी तस्वीरें इनके इसी घर की है जो संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त के द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है। और ये जो रेंज रोवर के साथ ये खड़े होकर पिक क्लिक करवाए हैं, ये इम्पीरियल हाइट्स के नीचे का पिक है। यहाँ पर जो संजय दत्त ने अपने फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया है, पीछे देख सकते हैं अपनी माताजी और पिताजी की इन्होंने वहाँ पर फ़ोटो भी लगाई हुई है और काफ़ी शानदार इंटीरियर्स इनके घर के अंदर का तैयार किया गया है। मैं आपको दो और पिक दिखा रहा हूँ जो इनकी पत्नी का है। देखिए इनकी पत्नी जो पिक क्लिक करवाई हैं उसके पीछे बगल में मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं और दीवारों पर डिजाइन की यहाँ पर प्रतिमाएं भी टंगी हुई हैं। बहुत ही तगड़ा यहाँ पर इनके घर को सजाया गया है जो अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। बाहर से जैसी ये बिल्डिंग दिख रही है नॉर्मल, उस तरह से अंदर जो खास है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर दोस्तों यहीं पर इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास रेड फरारी 599 GTB, पोर्शे SUV, टोयोटा लैंड क्रूजर, लेक्सस LX 470, ऑडी 8L, W12, मर्सिडीज एम क्लास, ऑडी R8 और Q7, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT और रोल्स रॉयस घोस्ट जैसी विदेशी कारें भी शामिल है, जिसमें रोल्स रॉयस से उनके कलेक्शन की सबसे महंगी कार है और इस कार की शुरुआती जो कीमत है वो 6 करोड़ रुपए है। इससे ये अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि इनका जो कार कलेक्शन है वो कितना बेहतरीन है और कितनी लग्जरी इनके पास गाड़ियां हैं। इम्पीरियल हाइट जहाँ पर अभी बना है, यहाँ पर पहले अजंता नाम का बंगला हुआ करता था जो सुनील दत्त जी और नरगिस दत्त जी का था, जिसमें संजय दत्त का जन्म भी हुआ था। अगर संजय दत्त की यहाँ पर नेटवर्थ की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि 216 करोड़ रुपए। और आपको हम बता दें ये एक मूवी के फीस के लिए करीब 5 से 7 करोड़ रुपए चार्ज लेते हैं और अगर ये ऐड करते हैं तो ऐड से भी ये 5 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं।
और आपको बता दें कि संजय दत्त का यह तीसरी शादी है। जो मान्यता दत्त हैं, इनके दो बच्चे हैं, ये इनकी तीसरी जो वाइफ है। पहली इनकी वाइफ थी ऋचा शर्मा, जिनका देहांत हो गया था। फिर इन्होंने रिया पिल्लई से शादी की, जिनसे इनका तलाक हो गया था। उसके बाद इन्होंने मान्यता दत्त से शादी की है और ये शादी अभी तक चल रही है। तो इसी घर में, इसी बिल्डिंग में संजय दत्त अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, जो कि मुंबई के बांद्रा पाली हिल में स्थित है और इम्पीरियल हाइट्स बिल्डिंग का नाम है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने आपको संजय दत्त सर के घर का पूरा टूर करा दिया है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।